हाँ जी भैया, कितने हुए? 40 दो चाय दो पेन। अच्छा, दो चाय और दो पेन के 40 हुए। चलो ठीक है यार भैया, मेरे पास तो इस वक्त पैसा नहीं है। चलो पैसा नहीं यार है तो मैं अपना बटुआ उधर ही भूल गया। कोई बात। अरे ना यार भाई, तो कर में जाके स्नान किया जाता है ताकि जितने भी पाप लोगों ने किए हैं वो दूर जाते, ऐसा मान्य रहता है लोगों का। ऐसा मान्यता है, रिस्पेक्ट आर कल्चर जी। इसीलिए हम लोग, मेरा पूरा स्टाफ ओके है ना, तो आज हम आए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। मैं नीरज शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौल स्पीति में और लेह लद्दाख वाले हाईवे पे चल रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों रास्ते में, कि यहाँ पे बाइक या गाड़ी कुछ भी आप चला रहे हो तो बिल्कुल ही लो स्पीड में चलता है। पता नहीं ऐसा किस वजह से होता है, कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिस वजह से जो आपका आपकी जो कार है, आपकी जो बाइक वगैरह गड्डी है जो भी है, तो आगे नहीं जा पाती भाई। इतनी बहुत कम स्पीड से चलता है यार, आप खींचना भी चाहो ना स्पीड तब भी आप स्पीड नहीं खींच पाते, क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसा कुछ यहाँ पे लगता है जिस वजह से जो फ्यूल है वो आगे नहीं जा पाता। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट ऐसा सुनने में आता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, नहीं बट एक चीज़ और है, अगर न्यूट्रल भी चलाओ तो भी आपकी बाइक आगे नहीं, दोस्तों उसमें जो फोर्स है आगे नहीं लग पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। कोई भी गाड़ी आती है दोस्तों बिल्कुल लो स्पीड से चलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स लगता है जो कि गाड़ियों को पता नहीं यार, या तो पीछे की तरफ धकेलता है या ऐसा कुछ रहता है। आप बिल्कुल भी जितनी मर्जी स्पीड लेना चाहो आप नहीं ले पाओगे। दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं तांडी नामक स्थान, जहाँ पे कि चंद्रा और वागा नदी मिलती है और वहाँ से होता है चिनाब नदी का निर्माण, वहाँ के लिए जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गॉड भाई ये देखिए बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट में इस वक्त हम जा रहे हैं तांडी नामक स्थान के लिए। ये नीचे देख सकते हैं आप चंद्रा नदी, जो कि आगे जाकर मिलेगी चिनाब नदी में तांडी नामक स्थान पर। भैया चाय बन जाएगी? बन जाएगी। ठीक है भैया, लगा लो फिर दो चाय। तो भाई साहब फिलहाल हम लोग आ चुके हैं तांडी नामक स्थान पे, जहाँ पे कि चंद्रा और भागा नदी मिलती है, तो उस स्थान पे आ चुके हैं यार हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं। और यहाँ के लोगों की खास बात क्या है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे यार, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ह्यूमैनिटी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुट कुट के भरी हुई है। तो अभी एक भैया है उनके लिए चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, तो मैं करने वाला दोस्तों कैमरे में कैद की हाँ यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा भोले भाले हैं। तो एक थोड़ा सा प्रैंक जैसा करने वाला हूँ दोस्तों, देखते हैं कि क्या सीन रहने वाला है। तो भाई फिलहाल हमारी चाय हो चुकी है कम्प्लीट। हाँ जी भैया, कितने हुए? 40 दो चाय दो पेन। अच्छा, दो चाय और दो पेन के 40 हुए। 40 चलो ठीक है यार भैया, मेरे पास तो इस वक्त पैसा नहीं है। चलो पैसा नहीं यार है तो मैं अपना बटुआ उधर ही भूल गया। कोई बात। अरे ना यार भाई, तो कैसे को यार हैं? अरे 40 रुपये यार मैं कर देता आपने, या तो एक तो नेटवर्क वगैरह भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। अरे यार भाई नहीं यार, अरे कोई बात नहीं यार, काफ़ी अच्छे लोग हैं यार लोग, नहीं मैं मजाक कर रहा था यार, एक्चुअली मेरे पास है यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑनेस्ट लोग यार, थैंक यू सो मच यार भाई। तो दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो ऐसे आपको स्पेशली हिमाचल में कुल्लू और लाहौल स्पीति में ऐसे बंदे देखने को मिल जाएंगे जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच इनके लिए, तो ऐसे में एक लाइक तो बनता है दोस्तों इनके लिए। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद है तांडी नामक स्थान पर, जहाँ पर कि चंद्रा तथा भागा नदी का संगम स्थान है और यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम स्थान भी है। तो वहाँ पर फिलहाल आपको लेके जाने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है दोस्तों, लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये देखिए दोस्तों सामने से ऊपर से दोस्तों, यहाँ से पुल से होते हुए ये भागा नदी आ रही है, और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों नदियों का संगम होता है, और
उस स्थान से होते इधर इधर होकर आ रही है चंद्रा नदी, और इस स्थान को कहा जाता है तांडी नामक स्थान, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ से जो आगे जो नदी बन रही है ना दोस्तों, उसको कहा जाता है चिनाब नदी। यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक धार्मिक स्थान है, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोग वगैरह भी आए हुए हैं। दोस्तों ये जो धार्मिक स्थान है, इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या चीज़ें कैसे होता है, बट मुझे एक मैम मिले हुए हैं पीछे, तो इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो धार्मिक स्थान है इसके क्या महत्व और क्या क्या चीज़ें, सारी डिटेल से जाने की कोशिश करते हैं। तो ओके, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे मुझे इतना पता है कि यहाँ पे चंद्रा भागा नदियों का संगम होता है। ये चंद्रा और भागा जी दो नदियाँ हैं जो आपस में ये कन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है, इसीलिए इसको संगम स्थान बोलते हैं। संगम स्थान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली हम इसे तांडी नाम से इसको प्लेस कर बोलते हैं और जाना चाहता है। जी जी। आज हम इसलिए आए यहाँ पे, आज है हमारा भव्य बीज प्रविष्टम, मतलब आफ्टर 20 डेज ऑफ भव्य। ओके। तो आज के दिन पवित्र स्थानों पे जाके लोग स्नान करते हैं। अच्छा, तो ये जो पंच स्नान ही किया, ये जो पवित्र स्थान है हिंदू का या बौद्धों का है? ये हिंदुओं का है। हिंदुओं का है ये, वैसे पवित्र स्थान किसी पर्टिकुलरली धर्म के नहीं। आज जो आपने त्योहार बताया जो हिंदू का है ना, जी जी, तो इसीलिए मैंने बोला कि आज के दिन एक पवित्र स्थान में जाके स्नान किया जाता है। जी जी जी। ताकि जितने भी पाप लोगों ने किए हैं वो दूर जाता है, ऐसा माना रहता है लोगों का, ऐसा मान्यता है। जी जी जी। रिस्पेक्ट कल्चर जी, इसीलिए हम लोग, मेरा पूरा स्टाफ है ना, तो आज हम आए हैं। Okay. वो खुली आई थिंक मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जो लोग मानते हैं इस पवित्र तिथि को, तो वो लोग भी आए होंगे। और हमारे पवित्र नदी जी जी तांडी स्थल में जी है ना, माता चंद्रा और भागा ये आपस में मिल रहे हैं। यहाँ से चिनाब नदी बनी है ना। हाँ, यहाँ से चिनाब से ज्यादा बेटर हम इसे चंद्रा भागा को ज्यादा बेटर है, चंद्रा भागा नदी इसको जाना भी जाता है शायद। जी जी जी। तो यही था जी। सो आपका नाम जान सकता हूँ मैम? सॉरी, मैं लेट पूछ रहा हूँ, बट आपका जी? मैं डॉक्टर सुशीला, आयुष डिपार्टमेंट से। ओके ओके, आप डॉक्टर हो? हाँ। ओके ओके। सो ओके मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, प्लीज विजिट लाहौर। ओके 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 ओके, वी विल विजिट नेक्स्ट टाइम आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।